हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और मैं आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एडोबी म्यूज का एक नया वीडियो ट्यूटोरियल। और ये वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपना डिजिटल प्रोफाइल डिजिटल पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। मैं कुछ ऐसा टाइप से बनाने वाला हूँ। ये मेरा होम पेज है, तो होम में आपको क्या दिखेगा, जैसे कि आपका नाम, आप कहाँ से हो, क्या कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपकी इंट्रो स्किल्स, अचीवमेंट्स वगैरह, ये सब आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है आपकी प्रोजेक्ट, आपने कौन से प्रोजेक्ट पर काम किया है, इसकी यहाँ पे जो फ़ोटोज़ होंगे या फिर कुछ डिटेल्स होंगे तो वो आप यहाँ पे पिक उसकी डाल सकते हैं, पिक्चर्स यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आता है फॉलो ऑन मी, आप यहाँ पे कहीं भी आपको फॉलो कर सकते हैं, आपको मैसेज भेज सकते हैं या ईमेल के थ्रू, इससे आप PHP से कोडिंग करके बना सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे डिजिटल बताऊँगा कि कैसे आप लोग यहाँ पे सेम इस टाइप से प्रोफाइल बना सकते हैं, पोर्टफोलियो इस टाइप से पोर्टफोलियो बना सकते हैं। फिर यहाँ पे अवार्ड पेज भी है, अवार्ड पेज में आपके बारे में कुछ डिटेल्स लिखे होंगे कि आप कैसे अपनी, जैसे कि शॉर्ट स्टोरी होती है, आपने कैसे करके क्या क्या किया, उस टाइप की स्टोरी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ यहाँ पे दिया है सोशल मीडिया से कनेक्ट करने के लिए। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं 3 पार्ट बनाऊँगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ। जो पहले आता है वो है अबाउट का, मैं सबसे पहले आपको अबाउट पेज को बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं होम पेज को बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप इसको मोबाइल व्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोबाइल व्यू कन्वर्ट कर सकते हैं इसका मतलब इस टाइप की कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ये आपकी मोबाइल व्यू है, आप इसको फ़ोन में भी सेम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मोबाइल की साइज़ की छोटी होगी। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको म्यूज़ ओपन करना है, न्यू कैनवास क्रिएट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलम जो मांगा है आप 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, आपकी जो मर्जी वो ले सकते हैं, बट मैं जैसा बोलूँगा आपको कि यहाँ पे आप 5 लेके चले, क्योंकि 5 जो होती है ना आपको 5 कॉलम्स आपको दे देगी जो आपको गाइड करेगी इजीली ड्रॉ करने के लिए। तो मैं यहाँ 5 दे देता हूँ और प्रेस ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गई। नेक्स्ट जो स्टेप है मेरा वो है एक और पेज बना लेता हूँ, मैं इसका नाम रखता हूँ अबाउट। ठीक है, ये आपकी एक और पेज क्रिएट हो गई। अब मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड सेट करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मास्टर पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मास्टर पे जो मैं बैकग्राउंड सेट करूँगा वो आपको सारे पे डिस्प्ले होगी। मैंने ऑलरेडी पुराने वीडियोज़ में बता चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जाके देखें, क्योंकि अगर आप उसे नहीं देखेंगे तो आपको एडोबी म्यूज़ के बारे में पता नहीं चलेगा। मैं सीरीज़ बना चुका हूँ इस प्लेलिस्ट की, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस किस टाइप से मैंने क्या क्या किया। ठीक है, मतलब कि कौन से टूल्स इसके क्या काम करती हैं, मैंने यहाँ पर सारा बताया हुआ है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो लाइन है इसे ऊपर ड्रैग कर देना है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे विजिटर्स लाइब्रेरी पे जाना है, उसके बाद स्लाइड शो पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे स्लाइड शो है, इसको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो फुल स्क्रीन जो है ये क्या है, आपकी स्लाइड शो है, बट मुझे स्लाइड शो नहीं चाहिए, मुझे एक ही बैकग्राउंड चाहिए। मैंने पहले बताया हुआ है कि कैसे आप एक बैकग्राउंड सेट करते हैं स्लाइड शो से। ठीक है, मैं सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो पे भी बता देता हूँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये जो ब्लू आइकन दिख रहा था यहाँ पे, ये जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये देखिए आपने इसे सिलेक्ट किया तो ये ब्लू आइकन यहाँ पे विजुअल हो गया। इसे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे फोल्डर टाइप की आएगी, आइकन है, इसे क्लिक करते ही आपको इमेज चूज़ करने के लिए आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे सिंपल से करूँगा क्योंकि मुझे मटेरियल डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको गाइड कर रहा है कि 1 एंड 1 मीन्स मेरे पास एक ही पिक्चर्स है और एक ही बैकग्राउंड के साथ, तो ठीक है मुझे एक ही चाहिए, तो मैं आगे के लिए नहीं जाऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, इसे डिलीट कर दूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये आपकी पेज पे दिखे, थोड़ा अनोइंग लगे देखने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट ऑल किया मैंने, सिलेक्ट ऑल करने के लिए मतलब क्या है कि आपको शिफ्ट प्रेस करके एक एक को क्लिक करना है, तो उससे क्या होता है सारे सिलेक्ट हो जाते हो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये चीज़। अब मेरे मास्टर के काम खत्म हो चुके हैं, इसे मैं सिंपली कट कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि अबाउट अस की पेज कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अबाउट उस पर मैं डबल क्लिक किया अबाउट पे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर रेक्टेंगल जो टूल है इसे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मुझे फ़ोटोज़ चाहिए। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको शिफ्ट होल्ड करके रखना है और क्लिक करके ड्रैग करना है, कुछ इस टाइप की बड़ी पिक्चर होनी चाहिए मेरी। ठीक है, उसे आप उसको सेंटर पे अलाइन कर देना है, ये आपको गाइड कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि ये सर्कल में है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्क्वायर में मेरी फ़ोटोज़ बेकार दिखे, तो इसे मैं सर्कल चाहिए। तो क्या करना है, यहाँ पे जो रेडियस है चारों रेडियस को क्लिक कर देना है और इसको आप 200 कर दें। अब मैं क्या करूँगा, फिल पे क्लिक करूँगा और ऐड इमेज करूँगा।
इसके बाद यहाँ पे कोई भी मैं फिक्सेस ले लेता हूँ, जैसे कि ये ले लिया मैंने, जैसे यहाँ और यहाँ पे ये देखिए फिटिंग में स्केल टू फिल, ठीक है। अब मैं इसे सेंटर में कर दूँगा, ठीक है, मुझे यही चाहिए। तो मेरा पिक्चर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, ठीक है, कुछ इस तरीके के बड़े होने चाहिए। ये मैं पेज को और नीचे कर देता हूँ और इसे मैं इस लेवल पे ला देता हूँ। और ध्यान रखिए कि ये आपकी मिडिल पे हो, इसके मिडिल पे हो, तब देखने के लिए ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगी ये। और इसे ब्रिंग टू मैं फ्रंट कर देता हूँ कि ये इसके ऊपर दिखे। इसे कलर में कर देता हूँ वाइट, ठीक है, ये आपकी बन चुकी है। अब मुझे चाहिए नीचे सोशल नेटवर्क के लिए जो मैंने यहाँ पे बनाया था, ये अब मुझे ये चाहिए, ठीक है। मैं इसे और थोड़ा लंबा कर देता हूँ। फिर मैंने ये रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया और फिर मैंने एक ये ड्रॉ कर लिया, इसे भी मैं वाइट कलर कर देता हूँ। ये भी हो गया वाइट कलर। अब मैं क्या करूँगा इस पर, सबसे पहले मैं इसे सेट करता हूँ, इफेक्ट देता हूँ। सेट करने के लिए इफेक्ट पे क्लिक करना है, शैडो पे क्लिक करना है और 90 डिग्री, 90 डिग्री मींस आपको 90 डिग्री पे दिखेगी, मींस ये हम मुझे सिर्फ नीचे चाहिए। तो इसे मैं 90 डिग्री पे क्लिक करके एंटर कर दूँगा और मैं इसकी ओपेसिटी डाउन कर देता हूँ अबाउट 20 से, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसका डिस्टेंस कम कर देता हूँ, 3 कर दिया मैंने और इससे मैंने कर दिया फिर से 40, ठीक है, 40। ये आपकी सेट हो चुकी है। अब बारी है इसकी, जो पीछे रेक्टेंगल है इसकी, इसको भी मैं इफेक्ट पे जाके शैडो पे क्लिक करके 90 डिग्री एंगल, ठीक है, वो हो गया। अब इसकी नीचे वाली रेक्टेंगल की बारी, इसको भी मैं इफेक्ट पे जाऊंगा, शैडोज पे जाऊंगा और इसे भी 90 डिग्री पे सेट कर दूंगा, ठीक है, मेरी शैडोज आ गए। अब मैं क्या करूंगा, इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूं ताकि पेज मुझे ज़्यादा ना दिखे। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर सोशल नेटवर्क लेके आऊंगा। उससे पहले मैं यहां पे अपने नाम और जो मेरा प्रोफेशन है मैं यहां पे लिख देता हूं। टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, दीपक राय मेरा नाम। उसके बाद इसे मैं सेंटर कर देता हूं, क्योंकि ये मेरा नेम है इसलिए मैं इसे बोल्ड कर दूंगा। अब मैं इसे सेंटर कर देता हूं। अब आपका बारी आता है प्रोफेशन की, तो मैं क्या हूं मैं इसे यहां डिफाइन करूंगा। तो आई एम ए ग्राफिक डिज़ाइनर, सो मैं यहां पे डिज़ाइनर लिख दूंगा, ठीक है। अब मैंने ये ग्राफिक डिज़ाइनर को सेंटर कर दिया। अब बारी आती है, मैं यहां पे अपने बारे में कुछ लिखूंगा, मीन्स ये आपकी शॉर्ट स्टोरी टाइप की होती है, तो इसे भी सेंटर कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे लिखें, मैं उतना लिख नहीं जाऊँगा, तो मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पेस्ट कर दूँगा। ये मेरी स्टोरी आ गई, ठीक है, मीन्स ये मेरी स्टोरी नहीं है, मैंने कोई भी रैंडम वर्ड्स यहाँ पे क्लिक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि अब मुझे यहाँ पे सोशल लोगो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है गूगल से, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सबको सेलेक्ट करूँगा जो जो मुझे चाहिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो ये 5 को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा म्यूज़ के ऊपर और मैं इस जगह पे इसे बनाऊँगा। बेसिकली आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एक एक करके ले लेनी है, सिंपल। ये परफेक्ट साइज़ में हो गई। अब मैं इसे क्या करूँ, सेंटर कर दूँगा और इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि ज़्यादा बड़ा ना दिखे, ये परफेक्ट है। इसे मैं सेंटर कर दूँगा, मैंने सेंटर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सारे को सिलेक्ट करके अब इसमें मैं इफेक्ट दूँगा। तो इफेक्ट देने के लिए मैंने सारे को क्लिक कर लिया एक साथ, ताकि मैं नहीं चाहता कि एक एक करके मैं सबको दूँ। तो मैं यहाँ पे फिर इमेज फ्रेम्स में करूँगा, रोल ओवर पे गया, उसके बाद इफेक्ट्स में जाऊँगा। आपको ध्यान रखना है कि जब आप इफेक्ट्स पे जा रहे हो, आपको रोल ओवर पे इफेक्ट्स देना है, मीन्स आप जब माउस के ऊपर लेके जाए तो वो क्या दिखाएं वो होनी चाहिए। तो मैं यहाँ रोल ओवर पे गया, उसके बाद मैंने क्या किया, ग्लो पे सेट किया, ग्लो पे क्लिक किया। कौन सी ग्लो देना चाहते हैं, मैं यहाँ पे ब्लू, कोई भी आप कलर ले सकते हैं, आपकी रैंडम मर्जी है, इससे आप ओपेसिटी 100% कर दें। और जो टोटल ब्लर होता है वो आपकी होती है 250, क्लिक करके एंटर मार देना है। उसके बाद इनर ग्लो कर देना है आपको, ये देखिए यहाँ पे ब्लू कलर हो गया, मीन्स जब मैं रोल ओवर पे जब माउस इसके ऊपर लेके जाऊँगा तो ये ब्लू कलर की शैडो यहाँ पे दिखेगी। अब मुझे क्या करना है कि अब रोल ओवर पे मुझे शैडो भी सेट करना है, तो मैं सिंपली शैडो पे गया, 90 डिग्री मैंने सेट किया यहाँ पे, ठीक है, डिस्टेंस मैंने कम कर दिया 4:3 सही है। उसके बाद ओपेसिटी है, इसको मैं 40 कर दूँगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि मेरा पेज दिख कैसा रहा है। ये देखिए, ये मेरी पेज आ गई।
अब मैं इसकी क्या करूँगा कि इसकी जो शेडोज़ हैं उसकी डिस्टेंस और कम कर दूँगा मैं, डिस्टेंस 2 काफ़ी है। अब मैं क्या करूँगा, इसे फिर से प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। परफेक्ट, अबाउट की पेज हो गई। इस तरीके से आप अपनी डिजिटल प्रोफाइल बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप होम पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। मीन्स आपकी जो डिजिटल प्रोफाइल है वो कैसे दिखेगी, अगले वीडियो में वो देखते हैं। तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव।